वेनेजुएला लैटिन अमेरिका से एक ऐसा देश है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा ऑयल पाया जाता है। वी ऑलरेडी नो ऑयल कंट्री मतलब लॉट ऑफ मनी। एंड वेनेजुएला भी एक ऐसा ही देश है, एक टाइम दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट ऑयल प्रोडक्शन कंट्री लाइक यूनाइटेड एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया जैसा हुआ करता था। बट आज वेनेजुएला की सिचुएशन इतना खराब है, लोग आज डस्टबिन से खाना उठा के खाते हैं। मजबूरी में लड़कियां अपनी जिस्म बेच के पेट पाल रहा है। आई थिंक दिस इज रियली वर्स्ट थिंग एवर हैपेंड इन दिस प्लैनेट। क्राइम इतना बढ़ चुका है, रेप मर्डर ये सब चीज हर दिन लगा रहता है। हॉस्पिटल में आज कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, विदाउट डॉक्टर्स न्यू बॉर्न बेबीज आर डाइंग। वेनेजुएला टोटल पॉपुलेशन है 2.8 करोड़। सिंस 2015 इनमें से 70 लाख पीपल ऑलरेडी अपना देश छोड़ के अदर कंट्रीज में शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो चुका है। अपना घर अपना देश छोड़ के वो लोग आज रिफ्यूजी की तरह ब्राजील, कोलंबिया, मेक्सिको जैसे देशों में सहारा लिया। बट क्वेश्चन ये आता है, एक वाइल्ड कंट्री होने के बाद भी क्यों आज वेनेजुएला का हाल इतना खराब है? पूरा वर्ल्ड में जितना तेल का भंडार है इनमें से 18% तेल वेनेजुएला में मिलता है, विच इज 304 बिलियन बैरल। किसी एक जमाने में वेनेजुएला वर्ल्ड का फोर्थ रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। वेनेजुएला में इतना तेल की भंडार होने के बाद भी क्यों लोग आज भूखा मार रहा है? क्या लोगों के पास पैसों का कमी है? जी नहीं, वेनेजुएला में लोगों के पास भर भर के पैसा है। फ्रेंड्स, हम लोग आगे जानेंगे क्यों इतना पैसा होने के बाद भी वेनेजुएला आज एक गरीब देश है एंड प्रेजेंट सिचुएशन क्या है विद डीप रिसर्च। बट आगे बढ़ने से पहले गाइस, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आगे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। फ्रेंड्स, मान लो आपको 1 करोड़ का एक लॉटरी लगा, अब आप क्या करोगे? आई एम श्योर डेफिनेटली आप अपना जॉब छोड़ के अपना पसंदीदा चीज खरीदना स्टार्ट करोगे एंड आप इस 1 करोड़ का भरपूर मजा उठाओगे। बट कब तक? एक दिन आएगा आपका पैसा खत्म होगा, देन व्हाट? फिर से वही गरीबी। सेम चीज हुआ वेनेजुएला के साथ। इसे कहता है डच डिजीज। एक वाइल्ड कंट्री होने से पहले वेनेजुएला में एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री वॉज द मेन रिसोर्सेस फॉर देयर इकोनॉमी एंड सब कुछ सही चल रहा था। बट जिस दिन से तेल का खोज मिला उस दिन से रियल प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। आई नो गाइज वट यू आर थिंकिंग, तेल का खोज मिला ये तो अच्छा चीज हुआ, इससे गरीबी का क्या रिलेशन है? रिलेशन है गाइज, बट ये सब चीज के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। वेनेजुएला की नाम इतिहास में उन सब देशों में आता है जो सबसे पहले आजाद हुआ था। साल 1811 को ही वेनेजुएला स्पेन से आजाद हो गया था एंड इन द ईयर ऑफ 1914 वेनेजुएला में फास्ट कॉमर्शियल तेल का खोज मिला था। ऑयल की खोज मिलना वेनेजुएला में गवर्नमेंट एंड लोगों को लॉटरी मिलना जैसा था। तेल की पैसा लोगों के हाथ में आने से ही वो लोग विलेज छोड़ के सिटी में शिफ्ट होने लगा था। इसके साथ अपना लाइफस्टाइल एक्सट्रीमली हाई कर दिया था। लोग महंगे महंगे चीज, इम्पोर्टेड कार यूज करना स्टार्ट किया था। लोग अपना एग्जिस्टिंग प्रोफेशन एग्रीकल्चर, फिशिंग ये सब चीज इग्नोर करने लगा था। ड्यूरिंग 1929 to 1939 अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। लोगों के पास जॉब नहीं था, स्टॉक मार्केट 87% क्रैश हो गया था, डॉलर की वैल्यूएशन गिरने के साथ ग्लोबल GDP नेगेटिव 27% हो गया था। बट उस टाइम वेनेजुएला की इकोनॉमी ड्यू टू ऑयल स्ट्रांग होते जा रहा था। वेनेजुएला में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मेडिसिन ये सब चीज़ का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था अमेरिका और अदर्स कंट्रीज से, वही चीज़ इम्पोर्ट करने से सस्ता हो रहा था। इसीलिए वो लोग ग्रोसरीज, मेडिसिन ये सब चीज़ बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट करने लगा था एंड ग्लोबल वीक इकोनॉमी का पूरा फायदा उठा रहा था। इन द ईयर ऑफ 1999 वेनेजुएला की न्यू प्रेसिडेंट बना था ह्यूगो चावेज। उस टाइम ऑयल प्राइस था $7 to $8 पर बैरल एंड चावेज वॉज द हीरो फॉर पुअर पीपल। चावेज पावर में आने के बाद ऑयल इंडस्ट्री में एक बूमिंग रेवोल्यूशन आया था। ऑयल प्राइस $7 to $8 से सीधा $100 हो गया था एंड इट वॉज द गोल्डन पीरियड फॉर वेनेजुएला हिस्ट्री। चावेज का मेन फोकस था गरीब लोगों के लिए कुछ करना, इसीलिए वो गरीब लोगों के लिए लॉट ऑफ सोशल स्कीम चालू किया था, जस्ट लाइक मुफ्त का खाना, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर पॉलिसी एंड सब्सिडी ऑन एवरीथिंग। एंड यही फ्री भी सबसे बड़ा गलत डिसीजन था चावेज के लिए। वेनेजुएला में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था धीरे धीरे वही सब कंपनी बंद हो रहा था बिकॉज वो लोग सब्सिडी का आगे टिक नहीं पा रहा था। यहाँ तक सब ठीक था बट रियल प्रॉब्लम शुरू हुआ अपना 2008 बिकॉज इन 2008 ऑयल प्राइस टोटली क्रैश हो गया था एंड चावेज को रियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सोशल फ्री स्कीम चलाने के लिए चावेज को बाहर की कंट्री से उधार लेना पड़ा एंड एज अ रिजल्ट डेब्ट का बोझ बढ़ते गया एंड सडनली 5th मार्च 2013 चावेज का डेथ हो गया ड्यू टू कैंसर।
इस इंसिडेंट के बाद वेनेजुएला पूरी तरह से टूट चुका था। चेवेस का डेथ होने के बाद नया प्रेसिडेंट बना था निकोलस मडुरो, एंड ही वाज फुल्ली करप्टेड। इलीगल माइनिंग से ड्रग्स डीलिंग, इवन टेररिज्म का एलिगेशन है मडुरो के ऊपर। जहाँ 6-7% इन्फ्लेशन को नॉर्मल माना जाता है, बट इन द केस ऑफ वेनेजुएला 2018 में इन्फ्लेशन 65,000% हो गया था। प्रेजेंटली वेनेजुएला की करेंसी बोलीवर इतना डीवैल्यू हो चुका है, लोग आज अपना ही करेंसी बोलीवर को एक्सेप्ट करने से मना करता है। ऐसे ही एक वेल्थ रिच कंट्री होने के बाद भी आज वेनेजुएला पूरी तरह से खत्म हो गया है।